ओके सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये पार्ट टू है इस पूरी मालवन ट्रिप का। सो पार्ट वन आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट वन देख सकते हैं। सो आज मॉर्निंग हम जा रहे हैं टेंपल में दर्शन लेने के लिए। सो किस टेंपल में जा रहे हैं वो आपको मैं बीच में बता दूंगा और देखकर आपको पता चल जाएगा। सो चलते हैं, अभी क्लोजिंग है मतलब चेकआउट। सो ये पूरा हमने रूम खाली कर दिया है और ये सब ठीक करके हमको जाना है। सो दिस इज द बंगलो जहाँ पे हम रुके थे रात को, और यहाँ पे कार पार्क करने का स्पेस है। सो रात को कुछ मतलब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सो सुबह मैंने ये शॉट ले लिया और अभी जा रहे हैं। नजदीक है गणेश का टेम्पल। ऑलराइट सो अभी रुके हैं चाय पीने के लिए और फिर चाय पीने के बाद जाएंगे रॉक गार्डन जो कि नजदीकी है। तो देखिए आप सिनेमेटिक। ओके सो अभी हम हैं रॉक गार्डन में, तो देखेंगे क्या है क्या नहीं रॉक गार्डन में। यहाँ पे रॉक गार्डन के सीधा राइट साइड में आपको ये बॉम व्यू मिल जाएगा जो पूरा समुंदर का व्यू है, और यहाँ से आपको मतलब फोटोग्राफी करने में अच्छा होगा। ये जो पत्थर जैसे दिखाई दे रहे वहाँ से पूरा अच्छा, अगर आप प्रोफेशनल कोई कैमरामैन को लेके आते हो तो एक अच्छी क्लिक आपको यहाँ पे दे सकता है वो कैमरामैन। सो एन्जॉय द व्यू। सो यहाँ रॉक गार्डन सिर्फ नाम के लिए है शायद, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स का मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। सो अभी रिटर्न आ रहे हैं यहाँ पे। ओके सो ज़्यादा कुछ नहीं है रॉक गार्डन में, सिर्फ आपको फोटोग्राफी करने में आप इंटरेस्टेड है तो ही आपके लिए अच्छा है। सो आगे नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे पता नहीं, हमने भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोटोग्राफी कर ली है। जो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करते होंगे उनको मालूम पड़ गया होगा। सो फाइनली हम गोवा में आप पहुंच चुके हैं और अभी बैठने में है। सो बैठना बहुत टायर्ड हो चुके हैं गाड़ी में बैठ बैठ कर। सो और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करेंगे, इधर लंच करेंगे और फिर सीधा जाएंगे घर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।